समाप्त हो चुका है पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका का आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का एक और दुफनी मुकाबला। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली को एक अच्छा खिलाड़ी मानता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान ने इस मुकाबले में शानदार तरीके से टॉस जीता और बल्लेबाजी को चुना, जिसके चलते बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान सलाइम बल्लेबाज बनकर आए। लेकिन आते ही साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी के आगे मोहम्मद रिजवान टिक नहीं पाए और इस तरीके से इनसाइड एज के चलते पारनेल की गेंद पर बोल्ड होकर रह गए। मोहम्मद रिजवान मात्र 4 रन बनाकर 4 गेंदों का सामना करते आउट हुए। दोस्तों, इनके बाद आए थे बल्लेबाजी करने के लिए मोहम्मद आरिस, आते ही इन्होंने कुछ आक्रामक शॉट्स लगाए, लेकिन उसके ठीक बाद इस तरीके से LBW आउट होकर नॉर्थ गया तो 28 रन बनाकर 11 गेंदों की एक शानदार पारी खेलकर हारिस आउट हुए। दोस्तों, इनके बाद कप्तान बाबर आजम खराब फॉर्म के चलते एक और बार खराब शॉट खेल बैठे और कैच से बैठे, जिसके चलते कप्तान बाबर आजम मात्र 6 रन बनाकर 15 गेंदों का सामना करते आउट हुए। दोस्तों, इनके बाद बल्लेबाजी करने आए थे हारिस रऊफ। दोस्तों, इनके बाद मसूद भी इस तरीके से बल्ले एज देकर कैच से बैठे और 2 रन बनाकर 6 गेंदों का सामना करते शान मसूद आउट हुए। दोस्तों, आप सभी को बता दें, उसके बाद आए थे मोहम्मद नवाज, जो कि एक ऑलराउंडर है। इन्होंने भी आखिर कुछ अच्छे शॉट्स लगाए, लेकिन इस तरीके से LBW आउट हो गए। तब्रेज़ शम्सी के हाथों 28 रन बनाकर 22 गेंदों का सामना करते आउट हुए। लेकिन इस मुकाबले के मैच विनर थे इफ्तिखार अहमद और शादाब खान। दोनों ने मिलकर पाकिस्तान की रनों की गाड़ी को ऐसे आगे बढ़ाया मानो सबके रोंगटे खड़े हो गए। दोनों ही बल्लेबाजों ने 6 ओवर में 80 से ज्यादा रन जड़ दिए, जहां इफ्तिखार अहमद ने 33 गेंदों पर अपना तूफानी अर्धशतक लगाया तो उनसे भी खतरनाक बल्लेबाजी की शादाब खान ने, जिसके चलते शादाब खान ने तो सिर्फ 20 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। मात्र 6 ओवर में 80 रन ठोक दिए दोनों ही बल्लेबाजों ने। अंत में आकर शादाब खान नॉर्थ या 21 गेंद पर कैच देकर आउट हुए। लेकिन इस मुकाबले में तूफानी 52 रनों की पारी खेल 22 गेंदों में शादाब खान आउट हुए। आखिरी ओवर की पहली गेंद पर इफ्तिखार अहमद आउट हुए। रबाड़ा की गेंद थी सामने खड़े रुसो को कैच से बैठे, 51 रन बनाकर एक बेहतरीन पारी खेलकर इफ्तिखार अहमद आउट हुए, जिसके चलते पाकिस्तान की टीम ने 185 रन लगा दिए 9 विकेट के नुकसान पर। और साउथ अफ्रीका को जीतने के लिए मुकाबला 186 रन लगाने थे। ऐसे में टारगेट का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका की टीम। आते ही साउथ अफ्रीका को पहला झटका शाहीन शाह अफरीदी ने क्विंटन डिकॉक लेग साइड की तरफ गेंद खेल बैठे और सामने खड़े थे शान मसूद, जिन्होंने शानदार कैच लपक ली, जिसके चलते इस मुकाबले में आउट हुए क्विंटन डिकॉक मात्र 0 रन बनाकर। उनके बाद दूसरे बल्लेबाज रैली रूसो भी शाहीन शाह अफरीदी गेंद को हवा में खेल बैठे, पीछे फील्डर ने कैच लपक ली, 7 रन बनाकर रैली रूसो आउट हुए। उनके बाद कप्तान तैमू बुआमा, जो स्ट्रगल कर रहे थे बल्लेबाजी से, इन्होंने कुछ अच्छे शॉट्स लगाए, लेकिन तभी शादाब खान की इस गेंद पर अपने बल्ले का ऐसे बैठे और रिजवान ने शानदार कैच लपक ली, जिसके चलते कप्तान टेम्बा बाउमा 36 रन बनाकर 19 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठे। उनके ठीक बाद मार्कम भी इस तरीके से हो गए क्लीन बोल्ड और चकनाचूर हो गया पूरा साउथ अफ्रीका का मध्यगम। उसके बाद आई बारिश और यहां से साउथ अफ्रीका की कहानी डूब गई, क्योंकि 14 ओवर का मुकाबला किया गया, 142 रन टारगेट मिला साउथ अफ्रीका को। ऐसे में ट्रिस्टन स्टब्स और हेनरी क्लासन नए बल्लेबाज से उम्मीद कुछ नहीं थी साउथ अफ्रीका से। दोस्तों, आते ही इस तरीके से हेनरी क्लासन भी शाहीन शाह अफरीदी गेंद को हवा में खेल बैठे और नीचे मोहम्मद असीम जूनियर ने कैच लपक ली, 15 रन बनाकर एक और बल्लेबाज साउथ अफ्रीका के हेनरी क्लासन 9 गेंदों का सामना करते आउट हुए। इनके बाद विकेटों का पतंग पूरी तरीके से जारी रहा। आते ही वैन पार्नेल भी इस तरीके से LBW आउट हो गए, मात्र 3 रन बनाकर 4 गेंदों का सामना करते आउट हुए। एक लौते बल्लेबाज बचे थे ट्रिस्टन स्टब्स, लेकिन 18 रन बनाकर नसीम शाह की इस गेंद पर फील्डर को सामने ही कैच बैठे और ये भी 18 रन बनाकर आउट हो गए और यहीं पर पूरी ढह गई साउथ अफ्रीका की टीम, जिसके चलते पाकिस्तान की टीम ने इस मुकाबले को 33 रनों से जीत लिया। जी हां दोस्तों, डकवर्थ लुईस मेथड के हिसाब से 33 रनों से पाकिस्तान ने मुकाबला जीत लिया। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान अभी भी क्वालिफाई कर पाएगी सेमीफाइनल के लिए या नहीं? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर। दोस्तों, अगर आप BKL राहुल को एक अच्छा खिलाड़ी मानता है तो इस वीडियो को दिल से लाइक एक बार जरूर करते जाए। दोस्तों, भारतीय टीम ने फतह हासिल कर लिया है बांग्लादेश के खिलाफ एक और बार ICC टूर्नामेंट में। इसी के साथ भारतीय टीम की 9वीं जीत है ICC टूर्नामेंट में बांग्लादेश के खिलाफ। दोस्तों, कल के हुए मुकाबले में भारतीय टीम को 5 रनों से जीत मिली बांग्लादेश के खिलाफ, लेकिन एक ऐसा मोड़ था इसी मुकाबले में जहां बांग्लादेश ने मुकाबला पूरी तरीके से अपने कब्जे में कर लिया था, जब लिटन दास तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन तभी उनका सामना हुआ कमाल लाजवाब राहुल से और यहां से बदल गया पूरा मुकाबला। दरअसल ये बात है मैच के 7वें ओवर की पहली ही गेंद की, जैसे रविचंद्रन अश्विन को शांतनु ने गेंद ढकल कर दूसरा रन लेने के लिए दौड़ पड़े तो नॉन स्ट्राइकर पर थे लिटन दास और लिटन दास के शिकार हुए डायरेक्ट KL राहुल की गेंद, जिसके चलते इस तरीके से डायरेक्ट हिट पर रन आउट हो गए। दोस्तों, लिटन दास काफी ज्यादा गुस्से में नजर आए। दोस्तों, इस मुकाबले में लिटन दास ने 60 रनों की ताड़ तोड़ पारी खेली, जिसे 27 गेंदों में ऐसा लग रहा था कि शतक लगा देंगे, लेकिन KL राहुल के इस डायरेक्ट थ्रो ने पूरे मुकाबले का रुख बदल कर रख दिया। अगर ये डायरेक्ट थ्रो नहीं लगता तो भारतीय टीम शायद ही मुकाबला कब का हार जाती, क्योंकि लिटन दास काफी खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। KL राहुल ने पहले बल्ले से तूफानी काम किया, फिर गेंदबाजी से। हालांकि बीच में बारिश आई थी, जिसके चलते बांग्लादेश की इनिंग रुक गई थी और बांग्लादेश को थोड़ा झटका बारिश ने भी दे दिया था, जिसके चलते लिटन दास आउट हुए। उसके बाद कोई बल्लेबाज टिक नहीं पाया और मात्र 5 रन से रह गई बांग्लादेश दूर भारतीय टीम के टारगेट से, जिसके चलते भारतीय टीम ने 5 रनों से तूफानी मुकाबला जीत लिया और ICC T20 वर्ल्ड कप की नंबर 1 टीम बन गई है भारतीय टीम। दोस्तों, आप भारतीय टीम की शानदार जीत और KL राहुल के रन आउट को 10 में से कितने नंबर देंगे कमेंट? दोस्तों, अगर आप रोहित शर्मा को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक एक बार जरूर करते जाएं। दोस्तों, आज बांग्लादेश और भारत के बीच में रोमांचक मुकाबला हुआ, जहां भारतीय टीम को
उस मुकाबले में आखिरी ओवर में जीत मिली। तो आइए आपको बताते हैं वो आखिरी ओवर जिसने सभी का दिल रोक दिया था। दो सौ पहले बल्लेबाजी करते भारतीय टीम ने 184 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए थे। ऐसे में टारगेट का पीछा करते हुए बांग्लादेश की तरफ से सिर्फ लिटन दास ऐसे बल्लेबाज थे जिन्होंने अर्धशतक लगाया था। लेकिन ये भी अर्धशतक लगाने के बाद केएल राहुल के हाथों 60 रन बनाकर रन आउट हो गए थे और कोई भी मध्यक्रम में बल्लेबाज टिक नहीं पाया था, जिसके चलते आखिरी छह गेंदों पर 20 रनों की दरकार थी हर्षदीप सिंह गेंदबाज से। 200 स्ट्राइक पर थे तास्किन अहमद। 200 पहली ही गेंद पर हर्षदीप सिंह ने सामने की तरफ रखी और हर्षदीप सिंह ने इस गेंद पर सिंगल दे दिया। 200 अगली गेंद पर स्ट्राइक पर आ गए थे नूरुल हसन और अगली ही गेंद पर नूरुल हसन ने बड़ा शॉट लगाया और छक्का चला गया, जिसके चलते अब 13 रन चाहिए थे चार गेंदों पर जीत के लिए छक्के के बाद। लेकिन उसकी अगली ही गेंद पर सामने की तरफ रखी हर्षदीप सिंह ने और ये गेंद डॉट हो गई, जिसके चलते अब 3 गेंदों पर 13 रनों की दरकार थी। 200 अगली गेंद पर नूरुल हसन को सामने की तरफ हर्षदीप सिंह ने गेंद रखी और इस गेंद पर दौड़कर नूरुल हसन ने 2 रन ले लिए, जिसके चलते अब 2 गेंदों पर 11 रनों की दरकार थी बांग्लादेश को जीतने के लिए। जैसे ही अगली गेंद हर्षदीप सिंह ने फेंकी तो नूरुल हसन ने सामने का शॉट खेला और ये गेंद गई चौके की ओर, जिसके चलते अब 1 गेंद पर 7 रनों की दरकार थी, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 1 गेंद 7 रन हर्षदीप सिंह गेंदबाज और बल्लेबाज नूरुल हसन। जैसे ही सामने की तरफ गेंद रखी वैसे ही नूरुल हसन ने सामने का शॉट खेला, लेकिन बाउंड्री से पहले ही एक बाउंस होकर सूर्य कुमार यादव के हाथों में जाकर गिरी गेंद, जिसके चलते सिर्फ 1 रन आया और भारतीय टीम ने 5 रनों से आखिरी ओवर में तूफानी मुकाबला जीत लिया। जी हां दोस्तों, यही था आखिरी ओवर का रोमांच। भारतीय टीम ने 5 रनों से शानदार जीत हासिल की। दोस्तों आज के मुकाबले में बारिश ने भारतीय टीम का साथ दिया और बांग्लादेश के बल्लेबाजों ने ज्यादा कुछ करिश्मा नहीं किया सिवाय लिटन दास के। दोस्तों आप भारतीय टीम की जीत को 10 में से कितने नंबर देंगे कमेंट में बताइएगा। दोस्तों अगर आप भी हर्षदीप सिंह को एक बेहतरीन गेंदबाज मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक एक बार जरूर करते हुए जाएं। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे भारत बनाम बांग्लादेश के ऐसे मोड़ के बारे में जहां भारतीय टीम ने हारा हुआ मुकाबला जीत लिया। अंतिम ओवरों में भारतीय टीम ने भले ही ये मुकाबला जीत लिया, लेकिन एक मोड़ पर बांग्लादेश 99% ये मुकाबला जीत चुकी थी। आइए वो मंजर पर आपको लेकर चलते हैं। दोस्तों जब 185 रन के लक्ष्य का पीछा करने आई बांग्लादेश की टीम और लिटन दास बल्लेबाजी करने आए तो इनकी आक्रामक बल्लेबाजी ऐसी थी मानो पावर प्ले में ही बांग्लादेश ने 60 के पार स्कोर दर्ज करा दिया। दोस्तों इनकी बल्लेबाजी क्रिस गेल से भी खतरनाक थी। मात्र 21 गेंदों पर भारतीय टीम के सभी टारगेट करते हुए गेंदबाजों को लिटन दास ने अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया। 6 ओवर में ही 60 से ज्यादा रन बना दिया बांग्लादेश ने। लेकिन उसके बाद भारतीय टीम के नसीब में आई बारिश और बारिश ने अपना काम कर दिया बांग्लादेश के लिए। 216 ओवर का मैच किया गया क्योंकि काफी ज्यादा वक्त चला गया था और 151 रन का टारगेट मिला। जैसे ही वापस से मुकाबला शुरू हुआ तभी किस्मत पलट गई भारतीय टीम की। 200 रविचंद्रन अश्विन की गेंद पर शांतनु टच करके दूसरा रन लेने के लिए दौड़ पड़े और दूसरे नॉन स्ट्राइकर एंड पर भाग रहे थे लिटन दास। केएल राहुल आ गए गेंद के नीचे, उनकी नजर सिर्फ लिटन दास के ऊपर थी और उनका डायरेक्ट थ्रो लग गया स्टंप्स पर। दोस्तों यहां बदल गया पूरा मुकाबला क्योंकि दोस्तों आप सभी को बता दें जैसे ही लिटन दास का चेहरा देखा गया सभी को लगा कि लिटन दास रन आउट हो गए हैं और थर्ड अंपायर ने इसे आउट भी दे दिया क्योंकि लिटन दास काफी ज्यादा दूर थे। केएल राहुल ने बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी से भी एक ऐसा रन आउट करा दिया जिसने पूरे मैच को बदल दिया। लिटन दास जान थे बांग्लादेश के और उनको रन आउट कर केएल राहुल ने बांग्लादेश की जान ही उनसे छीन ली। दोस्तों इस मुकाबले में लेकिन तारीफ करनी होगी लिटन दास की जिन्होंने अकेले बल्लेबाजी कर अपने दम पर मुकाबला बदला था। 60 रनों की पारी के लिए 27 गेंदों में लिटन दास ने। अंतिम ओवरों में भारतीय टीम की गेंदबाजी अच्छी थी, बड़ा बल्लेबाज कोई भी नहीं था बांग्लादेश के पास, जिसके चलते 5 रनों से भारतीय टीम ने तूफानी मुकाबला जीत लिया। तो दोस्तों आप भारतीय टीम की इस लाजवाब जीत को 10 में से कितने नंबर देंगे इसका जवाब हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली और केएल राहुल को अच्छे बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक एक बार जरूर करते हुए जाएं। दोस्तों समाप्त हो चुका है भारत बनाम बांग्लादेश का एक और तूफानी मुकाबला। आइए आपको बताते हैं इस मुकाबले की पूरी हाइलाइट्स और कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स जो भारतीय टीम ने आज बहुत ही बेहतरीन तरीके से तोड़ दिए हैं। दोस्तों इस मुकाबले को 5 रनों से भारतीय टीम ने जीत लिया है डकवर्थ लुईस मेथड से बांग्लादेश के खिलाफ। दोस्तों जहां पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी भारतीय टीम, दोस्तों पहले बल्लेबाजी करते भारतीय टीम की तरफ से आउट होकर रह गए थे शुरुआत में कप्तान रोहित शर्मा मात्र 2 रन बनाकर। लेकिन रोहित शर्मा के आउट होने के बाद भी तूफानी बल्लेबाजी की खराब फॉर्म से जूझ रहे केएल राहुल ने और केएल राहुल ने बेहतरीन तरीके से अपना अर्धशतक लगाया था। लेकिन ये भी अर्धशतक लगाकर 50 रन बनाकर इस तरीके से शाकिब अल हसन की गेंद पर आउट होकर रह गए थे। लेकिन दोस्तों आपको बताया उसके बाद आए थे सूर्य कुमार यादव और सूर्य कुमार यादव ने अपनी 30 रनों की पारी में सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है उनके क्रिकेट के करियर का। जी हां दोस्तों आईसीसी टी20 रैंकिंग के पेश कर रहे हैं आपको नंबर 1 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव। जी हां दोस्तों मोहम्मद रिजवान को हटाकर आज की तूफानी पारी से सूर्य कुमार यादव बन गए हैं टी20 क्रिकेट के नंबर 1 बल्लेबाज। आईसीसी रैंकिंग के आज ही आईसीसी ने लिस्ट जारी की है।